पानी के बिना खेती नहीं की जा सकती। हमारे देश में करीब 60% खेती बारिश के पानी पर निर्भर है, और जहां सिंचाई की सुविधा है वहां भी पानी की किल्लत होती जा रही है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसकी बड़ी वजह भूजल का दोहन है। बारिश का पानी इकट्ठा करके ना सिर्फ भूजल पर पड़ रहा दबाव कम हो सकता है, बल्कि जल स्तर को भी ऊंचा किया जा सकता है। गुजरात में कई प्रगतिशील किसान अपने खेतों पर तालाब या चेक डैम बनाकर इस अमूल्य संपदा को संरक्षित कर रहे हैं। गुजरात में इस तरह के तालाबों को खेत तालावड़ी कहा जाता है। जिला साबरकांठा के खेड़ब्रह्म गांव में दया भाई पटेल ने भी खेत तालावड़ी बनाई है। इसमें बरसात के दौरान पानी जमा हो जाता है और फिर उसका उपयोग साल भर सिंचाई के लिए करते हैं। इसके अलावा इस पानी का इस्तेमाल मवेशियों के पीने और नहाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। साबरकांठा जिले में ही भिरोड़ा गांव में एक किसान रहते हैं, नाम है सुंदर सिंह चौहान। इन्होंने भी अपने खेतों पर तालाब बनवाया है। यूं तो इस तरह के तालाबों के तल और दीवारों पर अमूमन प्लास्टिक शीट लगाई जाती है, लेकिन सुंदर सिंह चौहान ने उसे सीमेंट और पत्थरों से पक्का बना लिया है। इसका फायदा ये है कि जमीन पानी नहीं सोखती। इतना ही नहीं, पानी इकट्ठा करने के साथ साथ सुंदर सिंह ने इसकी बचत का भी इंतजाम किया है। उन्होंने टपक सिंचाई प्रणाली लगाई है। ये प्रणाली आम सिंचाई के मुकाबले 70% पानी की बचत करती है। सुंदर सिंह इस विधि से फल और फूलों की बढ़िया खेती कर रहे हैं। पानी की जरूरत हर किसी को है, हर कोई इसके दोहन में लगा है। वर्षा जल संरक्षण सिर्फ किसानों की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका दायित्व है। शहरों में रहने वाले लोग भी बरसात के दौरान छतों से गिरे पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। किसान को इसलिए जल संरक्षण की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसकी रोटी रोजी ही पानी पर टिकी है।